हेलो गाइस, तो आज का कुछ वीडियो होने वाला है ड्रोन के कंट्रोलर के ऊपर। मैं कंट्रोलर के सारे सेटिंग्स बताऊंगा कि क्या है, हर एक सेटिंग एक्सप्लेन करूंगा और जो कंट्रोलर के ऊपर बटन से वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको आपके कंट्रोलर को ड्रोन से कनेक्ट करना है, और एक कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि हाउ टू सेटअप ड्रोन एंड फर्स्ट फ्लाई वाला वीडियो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप आई बटन पे भी देख सकते हो। तो कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐप का होम स्क्रीन है। तो आप यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर आपको ना ऑप्शंस दिख रहा है, एल्बम, पिक, स्काई पिक्सल और प्रोफाइल। तो एल्बम तो ऑब्वियस वही है जो आपने अब तक फुटेज जो रिकॉर्ड किए वो आपको सारा यहाँ दिखेगा। और स्काई पिक्सल गाइज ये वो चीज़ है, लाइक ये एक वेबसाइट है DJI का खुद का, जहाँ पर आप आपके फुटेज ये कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम। यहाँ पर सब वही लोग हैं जो ड्रोन फ्लाई करते हैं, अपने फुटेज शोकेस करते हैं। तो आप खुद का प्रोफाइल बना सकते हो, और उसके बाद प्रोफाइल है जो कि ये आपका खुद का प्रोफाइल है, सारी डिटेल्स होगी इसमें। तो अब हम क्लिक करते हैं गो फ्लाई पे। तो अब ये एक्चुअल आपका फुटेज दिखेगा जो कि ड्रोन कैमरे में दिख रहा है। तो इसके होम स्क्रीन पे जो भी चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके पहले मैं कंट्रोलर के कुछ बटन्स एक्सप्लेन करूँगा जो कि मैंने पहले वीडियो में नहीं बताए थे, और जो एक्स्ट्रा बटन्स है वो बताता हूँ। जो कि ये जो जॉयस्टिक्स है वो तो कॉमन चीज़ है, वो आपको पता है और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हो। तो उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन है, एक यहाँ बटन है, एक पीछे साइड में एक बटन है इसका, और एक लेफ्ट साइड में एक व्हील है जो कि ये स्क्रोल होती है व्हील, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं बटन में ये एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो ये तो पावर की है, एंड ये मोड है सिनेमैटिक, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, और एक ये बटन है जो कि यहाँ पर एच का सिंबल है और एक पॉज का सिंबल है। तो जब भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो और अगर आप सिंगल टैप करोगे इस बटन पे तो ड्रोन स्टॉप हो जाएगा, लाइक होवर करेगा वही रुक जाएगा, क्योंकि ये पॉज बटन है, ड्रोन को पॉज कर देता है। और अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो रिटर्न टू होम एक्टिवेट हो जाएगा, रिटर्न टू होम एक्टिवेट हो जाएगा, ड्रोन आपने जहाँ से फ्लाई किया था, होम पॉइंट अपडेट किया था, वहाँ पर ड्रोन अगेन आ जाएगा। तो ये वो बटन है। और उसके बाद ये जो बटन है ये स्विच बटन है, मीन्स अगर अभी मेरा ये रिकॉर्डिंग मोड पे, मीन्स वीडियो मोड पे, अगर मुझे स्विच करना है फोटो मोड पे, मैं ये टैप करता हूँ तो ये फोटो मोड में आ गया, अगेन टैप करता हूँ वीडियो, तो ये क्विक स्विच के लिए है। आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो बट ये एक शॉर्टकट है, डायरेक्टली कर सकते हो। और सेम चीज़ ये कैप्चर बटन है। अब मैं फ़ोटो मोड में जाता हूँ और अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो देखना ये फ़ोटो कैप्चर कर लेगा, देखा। तो ये कैप्चर बटन है, आप डायरेक्टली ऐप से भी कर सकते हो और पीछे बटन है वो भी यूज़ करके कर सकते हो। और उसके बाद ये गाइज एक बटन है FN करके, जो कि ये फंक्शन की, और इस की को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो सेटिंग्स में, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, ये देखते हैं हम, यहाँ पर एक व्हील है, ये व्हील एक्चुअली स्क्रोलिंग व्हील है, जैसे हम आप माउस में देखते हो एक स्क्रोल व्हील होता है वैसा ये भी है, स्क्रोल होता है। तो ये एक्चुअली गिम्बल को कंट्रोल करता है, कैमरे को, कैमरे को लाइक मूव करता है अप एंड डाउन। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप मैं देखो, मैं अगर इसको स्क्रोल डाउन करूँ तो आप देख सकते हो ये डाउन जा रहा है, अगर आप करूँ तो अब ये अप हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है गाइज कि ये फंक्शन की को मैं होल्ड करके फिर अगर ये स्क्रोल करूँ तो ये जूम इन जूम आउट करेगा, बट पहले मुझे स्विच करना होगा वीडियो मोड में, क्योंकि फ़ोटो मोड में जूम नहीं करता है। तो मैं स्विच कर दिया वीडियो मोड में, और अभी अगर आप देखो, मैं अगर ये फंक्शन की होल्ड करके रखता हूँ और स्क्रोल करता हूँ तो ये जूम करने लग गया अगेन। तो ये कुछ इसके फंक्शंस थे। अब गाइस, इसके स्क्रीन पे जो जो फंक्शंस है, सेटिंग्स है, मैं वो आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में एक बैटरी का इंडिकेशन है, तो वो बता रहा है कि बैटरी कितना परसेंट है, और उसी के साइड में टाइमिंग दिखाई देगा कि ये वो बता रहा है इतनी बैटरी में ड्रोन कितने देर तक फ्लाई करेगा। उसके बाद गाइज आपको दिखेगा एक RC लिखा हुआ है, और लाइक रेंज के कैसे सिंबल होते हैं अपने फ़ोन में, वैसा एक सिंबल है रेंज का। तो वो एक्चुअल में अपने कंट्रोलर का रेंज बता रहा है कि वो रेंज में है या नहीं, स्ट्रांग सिग्नल है अभी।
और उसके बाजू में ही गाइस एक छोटा सा और एक सिंबल है, वाईफाई एक सिंबल कैसा होता है उसी तरह से, अगर मैं अभी उस पर टैप करूँ तो लिख के आ रहा है BKWD अनअवेलेबल, मीन्स बैकवर्ड सेंसर अनअवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियस मैंने अभी वहाँ नीचे रखा है तो उसके सेंसर ब्लॉक है, तो इसलिए ये बता रहा है। और इवन ये भी बताता है FKW मीन्स फॉरवर्ड वाला जो सेंसर है वो ब्लॉक्ड है, तो ये वो चीज़ दिखाता है। और उसी के साइड में एक और एक सिंबल है सैटेलाइट का, तो उस पर अगर मैं टैप करूँ तो दिखा रहा है वीक एंड जीरो सिग्नल, क्योंकि मैं अभी इंडोर में बैठा हूँ, मतलब घर के अंदर हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँ तो इसका सिग्नल आएगा। और गाइस सैटेलाइट का सिग्नल आपको मिनिमम 12-14 चाहिए ड्रोन फ्लाई करने के लिए, अगर इससे कम है तो ड्रोन सिर्फ एक लिमिट तक फ्लाई होता है, लाइक 5 मीटर तक फ्लाई होगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं, तो एक ये है। और उसके बाद गाइस ये कुछ है, या आपसे आप सिलेक्ट कर सकते हो फोटोज़, तो उसके कुछ अपने सेटिंग्स है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और उसके बाद लाइक वीडियोस के अंदर भी ऑप्शन है नॉर्मल, स्लो मोशन, देन मास्टर शॉट, अभी मैं फ्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मास्टर शॉट सिलेक्ट नहीं कर सकता, देन क्विक शॉट। क्विक शॉट पे गाइस मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, छोटा सा है आप देखना। देन हाइपर लैप्स है, फिर पैनोरामा है। तो गाइस अगर इसको आपको हर एक सेटिंग्स का अलग से एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लाइक हाइपर लैप्स है, पैनोरामा, बट इसमें अभी मैं फिलहाल सेटिंग्स सारे कवर कर रहा हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद गाइस नीचे एक है वीडियो का आइकन की तरह, अगर उस पर मैं टैप करूँ तो अगेन वही चीज़ होता है जो हम एल्बम में देखे थे, होम पेज पे सारे वीडियोस फुटेज मेरे दिखाएगा। और उसके बाद गाइस नीचे कुछ ऑप्शन है स्टोरेज, तो ये बता रहा है कि करंटली कितना स्टोरेज अवेलेबल है और कितने आवर्स तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और उसके साइड में है रेजो, मैं रेजो सिलेक्ट कर सकता हूँ 4K 2.7K एंड फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, ये वो सेटिंग्स है। और उसके बाद लास्ट में एंड में एक बॉटम में ऑटो मैंने सेव किया, अगर उसमें मैं टैप करूँ तो प्रो आ गया, मीन्स अब मैं अपने खुद के सेटिंग खुद से सेट कर सकता हूँ, iOS शटर स्पीड, बट मैं मोस्टली तो ऑटो पे ही रखता हूँ, वो ऑटो सेट हो जाता है, तो ये कुछ वो सेटिंग है। और उसके बाद गाइज अगर लेफ्ट साइड में देखो तो आपको एक मैप दिखेगा, तो ये दिखा रहा है कि तो सैटेलाइट से यही सिग्नल मिलता है कि लाइक लोकेशंस कहाँ हूँ, कहाँ ड्रोन एक्चुअल में है अभी, वो सब। और उसके साइड में हाइट एंड डिस्टेंस दिखाता है। और उसके बाद गाइज ये आप देखोगे तो एक ये है टेक ऑफ का ऑप्शन, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये टेक ऑफ हो जाएगा। और उसके ऊपर गाइज ये ऑप्शन है सेंसर का, लाइक मैं यहाँ से डायरेक्ट सेंसर ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, ये वो ऑप्शन है। और ऊपर गाइज दिखा रहा है एन मोड, क्योंकि करंटली मैं अभी नॉर्मल मोड में हूँ, अगर अभी मैं सिनेमैटिक मोड में जाता हूँ तो वो सी मोड हो जाएगा, तो ये कुछ वो इंडिकेट करता है। अब गाइज राइट साइड में टॉप राइट साइड में यहाँ 3 डॉट्स दिखेंगे, वो एक्चुअल सेटिंग्स है पूरे एप्स के अंदर, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, अब हम वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर अब मैं इसमें जाऊँ तो आप भी आपको ऊपर 5 टैब्स देखने मिलेंगे, लाइक सेफ्टी, कंट्रोल, कैमरा, ट्रांसमिशन एंड अबाउट। तो ज़्यादा करके पूरे सेटिंग सेफ्टी, कंट्रोल एंड कैमरे में ही है, ट्रांसमिशन एंड अबाउट में इतना कुछ नहीं, बट मैं सारा कवर करता हूँ। तो ठीक है, हम सेफ्टी में फर्स्ट देखते हैं गाइज, ये है वही ऑब्स्टिकल्स अवॉइड करने का जो कि सेंसर। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, बाईपास, ब्रेक एंड ऑफ। अगर मैं ऑफ कर दूँ तो कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा ड्रोन रुकेगा नहीं, सीधा उसे टकरा जाएगा और ड्रोन डैमेज हो जाएगा। देन ब्रेक अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ट्री का सिंबल आया और ड्रोन फ्लाई हो रहा है, अगर ट्री या कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ड्रोन वहीं रुकता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और सेम वही अगर मैं बाईपास सिलेक्ट करूँ तो उसे बाईपास करके निकल जाएगा, या वो साइड से होके चला जाएगा या उसके ऊपर से होके चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ये करेगा उसके सेंसर डिटेक्ट करने के बाद। और गाइज उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिसेबल साइडवे फ्लाइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग है एक्चुअली, ये बहुत लोग फेस कर रहे थे इशू की, और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि हम ड्रोन लाइक लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे जॉयस्टिक्स, राइट वाले जॉयस्टिक से जब हम लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर रहे हो बट ड्रोन वो लेफ्ट एंड राइट हो ही नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये ऑन होता है बाय डिफॉल्ट, ये ऑन होता है। और ये क्या चीज़ है कि ड्रोन के अंदर गाइज लेफ्ट एंड राइट सेंसर नहीं होता है, आगे एंड पीछे एंड नीचे होता है, लेफ्ट एंड राइट सेंसर नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप लेफ्ट में ड्रोन ले जा रहे हो और कोई ऑब्स्टिकल आए तो ड्रोन को नहीं समझेगा और ड्रोन टकरा जाएगा, इसलिए
डीजीआई ने ये ऑप्शन दिया, अगर तुम ये ऑन रखते हो तो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट हो गए ही नहीं, अगर फिर भी आपको करने तो इसे ऑफ करो, देन ड्रोन लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। और फिर गाइज उसके नीचे हम देखते हैं फ्लाइट प्रोटेक्शंस। तो ये है मैक्स एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, आपका ड्रोन कितने हाइट तक फ्लाई कर सकता है। तो इसकी रेंज मैक्सिमम 500 मीटर है एंड डिस्टेंस डीजीआई ने कहा है कि 10 to 12 किलोमीटर, बट अगर यहाँ देखो तो आप 8 किलोमीटर तक बताता है, देन आगे नो लिमिट्स बताता है, बट इतना करना ही किसे है, हम बस इतना सिलेक्ट करते हैं। और गाइस उसके नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा ऑटो आरटीएच एल्टीट्यूड, आरटीएच मींस रिटर्न टू होम। तो गाइस ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, ये कुछ इस तरह है कि अभी मैंने इसे 100 पे सेट किया है। तो सपोज गाइस अगर मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ अराउंड 50-60 मीटर्स पे एल्टीट्यूड पे, और मैं अगर रिटर्न टू होम दबा दूँ, एक्टिवेट कर दूँ ना, तो ड्रोन पहले 100 मीटर जाएगा वो अब, फिर वो रिटर्न टू होम आएगा। तो ये वो सेटिंग्स है। तो लाइक ये एक ये भी एडवांटेज है, अगर बीच में लाइक मैंने फ्लाई किया उस टाइम पे कुछ बीच में था ट्री व्री, तो मैंने लेफ्ट राइट मूवमेंट करके चला गया, बट जब रिटर्न टू होम आता तो वो स्ट्रेटली आता है, और उस मोमेंट में नहीं आता जिस तरह मैंने फ्लाई किया था। तो उसके लिए ये सेफ्टी के लिए होता है, अगर मैं जिस सेटिंग पे इसे रखू है उतने मीटर पे पहले जाएगा देन ये रिटर्न आएगा। और वही अगर गाइस ये ऑलरेडी अगर मैं उसे 120 मीटर पे फ्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर सेटिंग 100 की सेट है ना, तो ये अगेन 100 पे नहीं, अब वो 120 जो मैक्सिमम करंट है उसका उसी हाइट से वो रिटर्न आएगा। तो ये वो कुछ था। और यहाँ आप देखोगे अपडेट होम पॉइंट। तो गाइस जब भी आप टेक ऑफ करते हो तो होम पॉइंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। The home point has been updated. Please check it on the map. अगर बाय चांस नहीं हो जाए तो आप सेटिंग में जाके इस पर टैप करोगे तो ये हो जाएगा, बट इसके लिए पहले आपको टेक ऑफ करना होता है। उसके नीचे आप कुछ देखोगे तो सेंसर लिखा है, कंपास नॉर्मल एंड IMU नॉर्मल। तो लाइक इसे कैलिब्रेट करना होता है, तो मैं अभी तो नहीं, बट फिर मैं इस बाद में कैलिब्रेट करके आपको दिखाऊंगा, या फिर एक छोटा सा एक मिनट का अलग से ही वीडियो बना दूंगा कैलिब्रेट पे, तो आप देख लेना। और उसके बाद नीचे है बैटरी इन्फो, तो इसमें आपके तीनों बैटरी के इन्फो बताता है कि कितनी हेल्थ है, कितने टाइम चार्ज किया है, सारे इन्फो बैटरी रिलेटेड होगा इसमें। और उसके नीचे देखोगे तो आपको लिखा है ऑक्सिलरी LED। तो यहाँ तीन ऑप्शन है, ऑटो, ऑन और ऑफ। तो ऑटो मैंने रखा है, ऑटो मीन्स जब भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो और अब डे टाइम है तो वो ऑटो पे तो हमेशा ऑफ रहेगा, बट अगर नाइट टाइम पे आप फ्लाई करते हो तो लाइक जैसे आप टेक ऑफ करोगे तो वो ऑटोमेटिक LED उसके नीचे जो स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ हाइट के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। और जब भी आप लैंड करोगे तो जैसे वो ग्राउंड लेवल के पास आने लगेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ताकि उसे सरफेस दिखे कि प्रॉपर जहाँ लैंड हो रहा है वो सरफेस क्लियर है या नहीं, इसके लिए है। या आप मैनुअली इसे ऑन भी रख सकते हो ऑल टाइम, या ऑफ भी रख सकते हो। तो ऑन तो रखना ही मत क्योंकि बैटरी आएगा, ऑब्वियस है बैटरी ड्रेन होगा, तो ऑटो पे ही रखना। और उसके बाद है अनलॉक जियो जोन। तो लाइक जो रिस्ट्रिक्ट एरिया है रहते ये वो, उसे अनलॉक करना है कि नहीं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको और एरोस्कोप को कुछ करो ही मत। और उसके बाद गाइस है फाइंड माय ड्रोन। अब ये देखते हैं कि ये ऐसा है कि अगर आपका ड्रोन कहीं गिर गया, आपको मिल नहीं रहा है, और यहाँ ऑप्शन है कि स्टार्ट फ्लैशिंग एंड बीपिंग। अब मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप देखना ड्रोन से एक साउंड भी आएगा और वो फ्लैश करने लग जाएगा, देख सकते हैं स्टॉप। ये है और ये यूज़ मैप है, लाइक आपके फ़ोन में और कोई मैप है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद गाइज एकदम एंड में दिया है एडवांस सेफ्टी सेटिंग, वो हम देखते हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आप ध्यान देना कि लिखा है सिग्नल लॉस्ट। तो सिग्नल लॉस्ट होने पे क्या होना चाहिए, उसके तीन ऑप्शन दिए हुए लाइक रिटर्न टू होम, डिसेंट एंड होवर। रिटर्न टू होम हमेशा मैं सिलेक्ट रखता हूँ, और मैं भी सजेस्ट करूँगा आपको कि यही रखना, लाइक अगर सिग्नल लॉस्ट हो गया तो वो ड्रोन ऑटोमेटिक रिटर्न टू होम एक्टिवेट हो जाएगा और वो रिटर्न आएगा। इवन जब रिटर्न आते टाइम वो ऑटोमेटिक अगेन कनेक्ट हो जाएगा, जैसे वो थोड़ा सा पास आ जाएगा आपके कंट्रोलर से कनेक्ट होगा, आप अगेन रिटर्न टू होम को कैंसिल करके अगेन उसको ऑपरेट कर सकते हो। और जो डिसेंट है वो एक्चुअली ऐसा है कि जब भी सिग्नल लॉस हुआ ड्रोन जहाँ है वहीं पर लैंड हो जाएगा, तो ये रिस्की भी है तो ये तो कभी मत करना। और होवर वो है कि जहाँ पर सिग्नल लॉस हुआ ड्रोन वहीं रुकेगा और वहीं पर बस होवर होगा, ये वो सेटिंग है। और गाइस इसके नीचे एक और सेटिंग है एमरजेंसी प्रोपेलर स्टॉप। तो ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो सिंबल बताया है, दोनों जॉयस्टिक को इनर साइड डाउन करना है देन आउटर साइड करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके चारों मोटर्स इमीडिएट स्टॉप हो जाएंगे, और ऑब्वियस है ड्रोन गिर जाएगा। तो मुझे पता नहीं इसका क्या यूज़ है, इवन ये तो
डिसएडवांटेज है, तो मैंने कभी नहीं किया। ओके गाइस, तो ये हमने सेफ्टी देखी, अब हम देखते हैं कंट्रोल के अंदर क्या क्या ये है ऑप्शंस। तो गाइस ये कुछ है यूनिट्स, मींस मीटर, किलोमीटर एंड एम्पीरियल। तो लाइक जब आप ड्रोन फ्लाई करते हो तो इसमें दिखाता है नीचे कि कितने मीटर पे है, कितने हाइट पे है, तो आपको उसको मीटर में देखना है या किलोमीटर में देखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके नीचे आप देखोगे ऑप्शन सब्जेक्ट स्कैनिंग, इसे मैंने ऑफ रखा है। इसका मीन्स ये, जब भी हम ड्रोन फ्लाई करते हैं तो ड्रोन फ्लाई होते टाइम ड्रोन खुद से ही देखता है, कोई उसे सब्जेक्ट मिला तो उसे फोकस कर लेता है। बट हमें अगर ऐसा नहीं चाहिए तो ऑब्वियस है हमें इसे ऑफ ही रखना है, और मैं तो हमेशा ऑफ रखता हूँ। और इसके नीचे ऑप्शन है गिम्बल मोड, तो गिम्बल मोड में दो ऑप्शन है, फॉलो मोड एंड एफपीवी मोड। तो मैं आपको एफपीवी मोड दिखाता हूँ करके, तो देख सकते हैं आप एफपीवी मोड में कुछ ऐसा दिखता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा ड्रोन एफपीवी नहीं है, बट स्टिल एक मोड दिया आप देख सकते हो। तो बेटर है फॉलो मोड, क्योंकि ड्रोन इसीलिए बनाया है तो हम फॉलो मोड ही रखते हैं। एंड गाइस इसके अंदर एक ऑप्शन ये देख सकते हो आप नीचे, अलाउ अपवर्ड गिम्बल रोटेशन। तो ये वो है, अभी अगर आप ड्रोन का कैमरा देखो गाइस, तो ये इस लेवल पे, अगर मैं इसे लाइक नीचे में ये कर सकता हूँ उसका कैमरा, बट ऊपर यही लिमिट तक कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर इससे भी आपको इससे भी ऊपर करना है तो ये अगर आप ऑन कर लो, ऑन करोगे और अगर आप उसका मूवमेंट करोगे तो अभी आप देखना ये और भी ऊपर होगा। आप देख सकते हो भाई ये अभी अप डायरेक्शन में और मूवमेंट हो गया, बट इसे मैं हमेशा नॉर्मली रखते हैं, हम इसे अपवर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे गाइस कुछ है एडवांस गिम्बल सेटिंग। इसमें गिम्बल के सेटिंग है, लाइक आप उसके स्मूथनेस कंट्रोल कर सकते हो, रोटेशन कितने स्पीड से होना चाहिए। ये जो सेटिंग्स है ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने इसमें कभी छेड़छाड़ी नहीं की, बट आपको लगता है कि आपके हिसाब से कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, और कुछ मिस्टेक हो जाए तो नीचे ऑप्शन है रीसेट का, रीसेट करके अगेन बैक टू नॉर्मल जो सेटिंग थी उसमें आ सकते हो। और उसके बाद गाइस अगेन नीचे है गिम्बल कैलिब्रेशन, तो लाइक ये मैं टैप करूँगा तो अभी ऑटो पे करूंगा तो वो गिम्बल कैलिब्रेट हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अभी ये ऑटो पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो। और अभी ड्रोन के कैमरे को देखना, वो ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा और यहाँ कैलिब्रेट हो रहा है वो, या हो गया सक्सेसफुल। तो ये कुछ गिम्बल का कैलिब्रेट था, ठीक है गाइस। हम आगे के सेटिंग्स देखते हैं, तो नीचे लिखा है गाइस रिमोट कंट्रोलर। अभी इसके अंदर स्टिक मोड है, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चार मोड है और इवन तीन मोड है, एक लास्ट है कस्टमाइज। तो ये तीन मोड ये गाइस अभी करंटली हमारा राइट जॉयस्टिक क्या करता है, अगर मैं ऐसा अपसाइड में करता हूँ तो ये फॉरवर्ड जाता है, नीचे करता हूँ तो बैकवर्ड आता है, लेफ्ट एंड राइट होता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये सेटिंग्स मुझे चेंज करनी है, लाइक ये वाले लेफ्ट के जॉयस्टिक के राइट में आ जाए, राइट के लेफ्ट में आ जाए। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स दिए, मोड वन करता हूँ तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ चेंज हो गया है, फॉरवर्ड लेफ्टवर्ड ये सब मतलब स्वाइप हो गए। तो लाइक आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट मैं मोड टू यूज़ करता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट आता है और अब मुझे इसकी आदत पड़ गई तो मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, और मोस्टली सारे लोग ये यूज़ करते हैं, बट आपको फ्रीडम है आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, उसके नीचे गाइस आप देखते हो बटन कस्टमाइजेशन, मींस ये FN जो कि फंक्शन की है, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो लाइक अगर इसे सिंगल टैप करें तो आप क्या सेटिंग्स रखना चाहते हो, यहाँ ऑप्शन है लाइक ऑक्सिलरी LED अगर आप रखते हो तो नीचे जो उसका एक LED लाइट्स है वो चालू होगा सिंगल टैप पे। और भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए लाइक रीसेट गिम्बल, फॉलो मोड, कैमरा और भी है। और सेम चीज़ डबल टैप करने पे क्या होना चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जो बाय डिफॉल्ट आती है वही रखी है, लाइक सिंगल टैप पे LED स्टार्ट हो जाएगी, डबल टैप पे उसका गिम्बल रीसेट हो जाएगा, मीन्स नीचे हो जाऊँगा लाइक डाउनवर्ड में। मैं अगर आपको दिखाऊँ, अगर सिंगल में टैप करता हूँ तो आप देखना नीचे एक लाइट स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो अगेन एक टैप करता हूँ तो स्टॉप हो गई, और अगर मैं डबल टैप करता हूँ तो उसका कैमरा डाउनवर्ड में चला जाएगा, मींस रीसेट गिम्बल हो जाएगा, देखो। तो ये कुछ उसके बटन के सेटिंग्स थे, लाइक कस्टमाइज कर सकते हो आप लाइक सिंगल टैप पे क्या होगा, डबल टैप पे क्या होगा, ये आप कर सकते हो। उसके नीचे गाइस है RC कैलिब्रेट, मींस
कंट्रोलर कैलिब्रेट, अगर मैं इसे अब भी करूँ तो वो नहीं होगा, उसके लिए पहले एयरक्राफ्ट को पावर ऑफ करना होता है। और उससे नीचे देखोगे तो फ्लाइट ट्यूटोरियल्स है, अगर इसमें जाएंगे तो बस वो कुछ ट्यूटोरियल्स है अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। बट मैं अभी आगे बढ़ता हूँ कैमरा सेटिंग्स पे। तो कैमरा में गाइस कुछ कॉमन सेटिंग्स आप पढ़ के समझ सकते हो, लाइक आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, MP4, MOV, देन कलर, नॉर्मल, डीलॉग, HLC, फिर कोडिंग फॉर्मेट, ये गाइस कुछ कॉमन है। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको बताता हूँ जो कि एंटी फ्लिकर। तो गाइस ये कुछ वो है, अगर सपोज कि आप कोई वेडिंग या कोई फंक्शन में ड्रोन फ्लाई कर रहे हो जहाँ की वहां पर बहुत सारी लाइट्स है, तो वो लाइट्स आपको आप डायरेक्टली देखते हो तो आपको प्रॉपर दिखते हैं, बट आप कैमरे में देखोगे ड्रोन के तो वो फ्लिक करते रहते लाइट्स, तो उसे वो वैसा फुटेज आपको नहीं चाहिए। तो आप उसको अगर ऑटो रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्लिकर, मतलब एंटी फ्लिकर है, तो वो फ्लिकर बंद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं फ्लाई करो और लाइक ऐसा दिखो आपको समझेगा नहीं कि इसकी सेटिंग्स क्या है। तो एक्चुअली इसकी सेटिंग कैमरे के अंदर एंटी फ्लिकर करके उसे आप ऑन कर सकते हो, ऑटो रख सकते हो, या आप मैनुअली 50 या 60 हर्ट्ज पे रख के देख सकते हो कि प्रॉपर हुआ नहीं हुआ। और उसके बाद गाइस सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है कि वीडियो सबटाइटल, ये वो है अगर मैं इसे ऑन रखता हूँ तो मेरे वीडियोस में वो सारी डिटेल्स नीचे लिख के आएगी ऑल टाइम, कि मेरा ड्रोन कितने स्पीड से फ्लाई कर रहा है, कितने मीटर पे, कितने डिस्टेंस पे, वो सारी डिटेल्स टाइमिंग सब लिख के आएगा। तो वो होता है वीडियो सबटाइटल। तो बहुत लोग ये भी फेस करते हैं कि इसे ऑफ कैसे करना है, तो ये अगर आप इसे ऑफ करोगे तो वो वीडियो में नहीं आएगा। और इसके बाद है जनरल सेटिंग्स लाइक हिस्टोग्राम, अगर इसको आप ऑन करते हो तो आपको हिस्टोग्राम का एक छोटा सा मेन्यू जैसे यहाँ दिखेगा स्क्रीन पे, लाइक कितनी लाइट से कितने क्या है, बट मैं इसे नहीं रखता, ऑफ ही रखता हूँ मोस्टली। और ओवर एक्सपोजर का वार्निंग, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ अगर मेरा फुटेज ओवर एक्सपोज हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो मुझे वार्निंग आ जाएगी। और उसके नीचे गाइज है पीकिंग लेवल, पीकिंग लेवल वो ही चीज़ है गाइज जहाँ पर लाइक ओवर एक्सपोज की तरह ही है, जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है वो चीज़ मुझे रेड रेड लाइन में दिखेगी, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो लाइक लो, नॉर्मल या हाई। तो मैंने लो पे रखा है, लाइक हल्का सा मुझे दिखता है। उसके नीचे गाइस कुछ है ग्रिड लाइंस, तो अभी मैंने तीनों ऑप्शंस ऑन रखे, तो अभी अगर डिस्प्ले पे आप देखो तो आपको लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, वर्टिकल दिख रही है, देन डायगोनल लाइन दिख रही है, देन सेंटर पॉइंट। अगर मैं इसे तीनों को ऑफ कर देता हूँ तो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो गया है, कुछ भी ग्रिड लाइंस नहीं है। वही अगर मैं सिंगल लाइंस चालू करता हूँ लाइक डायगोनल, तो आपको एक लाइक एक्स की तरह एक लाइंस दिखती होगी दो, देन ग्रिड चालू किया तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आ गया, एंड लाइक ये सेंटर पॉइंट दिखा था कि एक्जैक्ट क्या। तो लाइक ये बहुत यूजफुल है, आपका फुटेज देख सकते हो कि वो लाइक फोकस लाइक प्रॉपर सेंटर में है या नहीं, इसलिए मैं तीनों मोड हमेशा ऑन रखता हूँ। उसके नीचे का इसे वाइट बैलेंस, उसे मैं ऑटो रखता हूँ, आप मैनुअली करके सेटिंग कर सकते हो अगर आपको करना हो या ऐसी नीड हो। उसके नीचे का इसे स्टोरेज, कि आपका डेटा किस में स्टोर करना है, SSD कार्ड में या इंटरनल। और उसके नीचे का इसे कुछ कैश वैन रिकॉर्डिंग ऑप्शन, इसे मैंने ऑन रखा है और इसे सेट किया कि 2GB मैक्सिमम साइज। तो गाइज ये कुछ वो है जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस अगर 4K में कर रहे हो तो बहुत बड़ा डेटा वो कंज्यूम करता है, तो लाइक कैश वो मेमोरी एक वो सेम फुटेज आपको दिखाएगा बट लो साइज में और थोड़ी सी क्लैरिटी कम करके आपके डिवाइस के लिए, बट एक्चुअल क्लैरिटी में डेटा आपके एसडी कार्ड में स्टोर हो रहा है। तो ये वो है कि आप डेटा फोन में देख सकते हो कैसा रिकॉर्ड हुआ है, प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए है, तो कम साइज में आपको डेटा दिखा देता है। तो लाइक मैंने इसे 2GB सिलेक्ट किया है, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, और वो 2GB अगर फुल हो जाए तो जो भी प्रीवियस डेटा है वो खुद से उसे डिलीट कर देता है, फोन से, नॉट एसडी कार्ड, फोन से, ठीक है। और गाइस लास्ट में है रीसेट कैमरा पैरामीटर, लाइक मैंने जो भी सेटिंग खुद से सेट की है अगर मैं रीसेट कर दूँ तो जो बाय डिफॉल्ट होती है वो हो जाती है। तो ये गाइस कुछ कैमरा के सेटिंग्स थे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसमिशन। तो गाइस ट्रांसमिशन लाइक वो है, हम ड्रोन जब फ्लाई कर रहे हैं और वो लाइव लाइक रियल टाइम पे मुझे फुटेज अपने फ़ोन में दिखा रहा है, तो वो ट्रांसमिट होके आ रहा है, तो उसके ऑप्शन है लाइक HD एंड स्मूथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्मूथ ही रखना, स्मूथ रखने से लाइक वो ड्रोन का ट्रांसमिशन इजीली होता है, क्योंकि उसे जस्ट फुटेज हमें देखना है, हमें ज़रूरी नहीं कि वो HD में देखे, 4K में जो एक्चुअल रिकॉर्ड कर रहा है वही हम देखे, वो हम पोस्ट प्रोडक्शन में देख सकते हैं। और देन फ्रीक्वेंसी, उसे मैंने डुअल बैंड पे रखा है, लाइक ड्रोन ऑटोमेटिक वो उसके फ्रीक्वेंसी सेट कर लेगा, लाइक 2.4 GHz करना है या 5.8, तो मैनुअली से बेटर है आप डुअल बैंड पे रखो तो खुद से स्विच होता रहेगा। उसके बाद गाइज नीचे है चैनल मोड लाइक ऑटो और मैनुअल, मैंने खुद ने इसे एक्सप्लोर नहीं किया है, मैंने ऑटो पे ही रखा है जो पहले आया था,
बट मैंने इसे नहीं किया है, आप देख सकते हो अगर आपको करना है, बट मैंने इसे ऑटो पे ही रखा है। और गाइज इसके बाद नेक्स्ट जो है अबाउट, तो ये वो है आपके ड्रोन के अबाउट इन्फॉर्मेशन, लाइक मैंने अपने ड्रोन का नाम क्या रखा है, ड्रोन का मॉडल नंबर क्या है, एयरक्राफ्ट का लाइक अपडेट्स आया या लेटेस्ट अपडेट जो मैंने किया है उसका नंबर, देन ये सारे बैटरी का, फ्लाई के सारे वो नंबर्स बताता है, लाइक मॉडल नंबर कह सकते हो, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो गाइज ये कुछ थे कंट्रोलर के सेटिंग्स जो मैंने ऑलमोस्ट सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी गाइज आपको अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्लाई हाई।